रोमन कैथोलिक के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है कल शाम हुए पहले मतदान में चिमनी में काला धुआं निकलने के बाद इस बात का संकेत मिला था कि रोम के नए बिशप पोप के चयन के लिए किसी भी उम्मीदवार का दो तिहाई कार्डिनलों का समर्थन नहीं मिल पाया जो कि नए पोप के चुनाव के लिए अनिवार्य है कार्डिनल निर्वाचकों के मंडल में शामिल सभी 115 कार्डिनल तब तक हर रोज चार बार मतदान करेंगे जब तक किसी एक उम्मीदवार के नाम पर मुहर नहीं लग जाती सीरिया में सरकारी बलों और विद्रोहियों के बीच जोरदार संघर्ष जारी है सीरिया के डेरा शहर में दोनों ओर से भारी गोलाबारी का समाचार है उधर बच्चों के कल्याण और उनके पुनर्वास में जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि सीरिया में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक घटनाओं का सबसे ज्यादा खामियाजा छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है कोरियाई प्रायद्वीप में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है उत्तर कोरिया ने कोरिया युद्ध को रोकने के लिए साठ साल से चल रहे संघर्ष विराम संधि को खत्म करने की पुष्टि की है योंग ने इस बात की भी चेतावनी दी कि उसका अगला कदम दुश्मनों के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई होगी इससे पहले उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास के खिलाफ विरोध जताते हुए इस बात की घोषणा की थी कि वो उन्नीस से लागू संघर्ष विराम को नहीं मानेगा गौरतलब है कि पिछले सप्ताह उत्तर कोरिया द्वारा तीसरा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे जर्मनी के फ्रेंकफर्ड के पास भारी बर्फबारी के कारण सड़क पर जमा बर्फ और कोहरे के कारण करीब सौ कारें आपस में टकरा गई इस घटना में करीब तीस लोग घायल हो गए जिसमें से छह लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है पुलिस का मानना है कि टूटी हुई कारों के मलबे को हटाने और हाईवे को खोलने में काफी वक्त लगेगा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि क्यूरोसिटी रोवर द्वारा मंगल की सतह की चट्टानों से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण से संकेत मिले हैं कि पूर्व काल में मंगल पर सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व रहा होगा क्यूरोसिटी रोवर ने पिछले माह मंगल पर गेल क्रेटर में बहने वाली पुरानी धारा के पास की एक चट्टान में छेद करके जो चूड़ निकाला था उसमें वैज्ञानिकों ने सल्फर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस और कार्बन की पहचान की है ये कुछ ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं